थिएटर में जब मैं इट चैप्टर टू देखी मैंने, तो इसका कोई कॉन्सेप्ट मुझे समझ नहीं आया था स्टार्टिंग में। ऐसी बात नहीं है कि अगर आप ये इट चैप्टर फर्स्ट इसका नहीं देखेंगे तो आपको इट चैप्टर सेकंड समझ नहीं आएगा, ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन समझने में थोड़ी बहुत दिक्कत हो सकती है, ऐसा ही मेरे साथ हुआ। जब स्टार्टिंग हुई मूवी की तो कहीं से स्टार्ट हो रही थी, फिलहाल जो वो मूवी स्टार्ट हो रही थी वो फर्स्ट चैप्टर जहाँ ख़त्म होता है उसी से वो सेकेंड चैप्टर वहाँ से स्टार्ट होता है। तो जब वो वहाँ से स्टार्ट हुई तो थोड़ी बहुत समझने में दिक्कत हुई है, क्या हो रहा है, कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। और बीच बीच में जो सेकंड चैप्टर है इसमें फर्स्ट चैप्टर के भी पार्ट लिए गए हैं, कि थोड़ा बहुत फ्लैशबैक वहाँ दिखाया गया है कि वहाँ पे क्या हो रहा था, कैसे वो अपनी चीज अपने डर पे काबू पा रहे थे। ये चीज़ें थोड़ा बहुत फर्स्ट चैप्टर में से भी ली गई हैं जो सेकंड चैप्टर में चलाई गई। तो मैंने सोचा कि सेकंड चैप्टर का रिव्यू करने से पहले, रिव्यू तो चलो क्या काफ़ी टाइम हो गया मूवी का आए हुए, रिव्यू तो क्या कह सकते हैं, ये कॉन्सेप्ट मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इन दोनों मूवी का जो है कॉन्सेप्ट क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक बात बता दूँ, जब ये मूवी मैंने देखी इट चैप्टर टू, इसके बाद मैंने इट चैप्टर वन देखी इस मूवी को अच्छे से समझने के लिए कि इन दोनों मूवी में क्या बताने की कोशिश की जा रही है और क्या फिलोसफी है, क्या वो मैसेज देना चाह रहे हैं मैं समाज को इन सब चीज इन दोनों मूवी से। तो अब जब मैंने ये फर्स्ट फर्स्ट चैप्टर और सेकंड चैप्टर देखा तो मैंने क्या किया, एक स्क्रिप्ट लिखनी स्टार्ट की। स्क्रिप्ट लिखी तो मैंने सोचा यार ये पहले ये बात बोल देता हूँ, पहले ये बात बोल देता हूँ, फिर वो बंद कर दिया मैंने, क्योंकि उससे हो गया मेरा सर में दर्द। मैंने सोचा यार क्यों ना वो बोलूँ जो मेरे अभी फिलहाल दिल और दिमाग में जो चीज़ें चल रही हैं जेन्युइन बन के, क्योंकि यार कोई स्क्रिप्ट नहीं है तो एक एक्टिंग नहीं करनी पड़ेगी मुझे किसी के आगे कुछ भी। तो चलिए शुरू करते हैं, शुरू करते हैं वो टेक्निकल गुरुजी वाला वो, यार छोड़ो यार स्टार्ट करते हैं। चलो अब फर्स्ट चैप्टर की बात करता हूँ मैं। जो इट चैप्टर फर्स्ट है उसके अंदर ये जो 6 बच्चे हैं उसमें हर एक बच्चे का अपना अपना एक डर दिखाया गया है, उनके पास से रिलेटिव या किसी चीज़ से रिलेटिव। जैसे कि एक लड़का है जिसकी माँ उसे यह बताती है कि भाई तुझे अस्थमा है, जबकि उसे अस्थमा नहीं होता, यानी उसे वो कमज़ोर बना के रखती है ताकि वो बाहर ना जाए, दूसरों के साथ घुले मिले ना, वो उसे सेफ रखने के पर्पज़ से, कि उसे इतना डरपोक बना दिया जाता है उन चीज़ों से, उस पर डिपेंडेंट बना दिया जाता है दवाई के ऊपर, कि भाई तुझे ये चीज़ है तू ये नहीं खाएगा तो तू मर जाएगा, ये सब चीज़ों, तो इतना कॉन्शियस हो जाता है उन चीज़ों को लेके, बड़ा ध्यान रखता है। लेकिन लास्ट में जब पता चलता है कि ये सब जो दवाई वो ले रहा था वो सारी फेक थी, उससे उसका कोई अस्थमा नहीं था। फिर एक और एक ऐसी लड़की है जिसमें उसके पिता, तो मूवी देखोगे तभी पता चल जाएगा, मतलब ऐसे रिलेशन नहीं होते पिता बेटी के जो नहीं होते, और काफ़ी घटिया रिलेशन वहाँ दिखाए गए हैं। तो उसको एक लड़की को ये डर रहता है कि अपने बाप से हमेशा वो डरती है। एक ऐसा लड़का जिसके माँ बाप जल के मर गए थे, उसको उस चीज़ का हमेशा सपने आते हैं, उस चीज़ का उसे डर भी लगता है। और एक बिल नाम का एक लड़का है जिससे अपने भाई के खोने का डर है, मतलब भाई उसका खो जाता है, उसे उस चीज़ का पछतावा है कि वो उसकी वजह से खो गया, उसकी वजह से वो मर गया। और भी काफ़ी सारे करेक्टर हैं जिनका अलग अलग अपना अपना एक डर दिखाया गया है। और एक इसमें एक ऐसा लड़का है जिसको डर लगता है एक ऐसी टेढ़ी मेढ़ी चीज़ों से, एक ऐसी इमेज से। तो ये फर्स्ट मूवी है, और फिर इसमें जो ये जोकर है इसको जो ताकत मिलती है वो ताकत मिलती है इसको दूसरों के डर से। जितना इंसान डरेगा उतना ही वो ताकतवर होता चला जाएगा। अब ये इस फर्स्ट मूवी का जो कॉन्सेप्ट है वो यही बताने का है कि आप जितना डरोगे उतने ही कमज़ोर होते चले जाओगे। जब ये मूवी ख़त्म होती है एंड में, जब इन बच्चों ने अपनी हिम्मत दिखा के अपने डर को हटा के अपनी हर चीज़ को वो सामने आती, जब ये जोकर को लास्ट में मारते हैं तो ये जोकर हर एक वो रूप लेता है जिस बच्चे को उससे डर लगता है, लेकिन हर बच्चा अपने डर पे उस चीज़ पे काबू पाता है। तो ये जो इसका फर्स्ट पार्ट है वो ये बताना चाहता है कि जितना हम डरेंगे उतना ही डर हम पे हावी होता चला जाएगा। अब ये नहीं कि हम डरे ना, यार देखो डर तो हर किसी को ही लगता है, लेकिन जब उस डर का सामना करोगे तो वो डर भी तो खत्म हो जाएगा ना। इंसान हो इंसान, किस इंसान को डर नहीं लगता है यार, हर चीज़ हर किसी न किसी को किसी न किसी चीज़ से डर लगता होता है। तो ये नहीं कह सकते कि यार मुझे इस चीज़ से डर, मैं तो डरता ही नहीं हूँ, मैं बड़ा ही मर्द हूँ, ये वो वाली बात बंद कर रहे हैं यार। तो
तो फर्स्ट मूवी का जो कॉन्सेप्ट था वो ये था कि बच्चों को अपने डर जो होता है ना उसको उसका सामना करना चाहिए। वो कुछ नहीं होता, सिर्फ एक वहम होता है। आप जब तक उस वहम को सामना नहीं करेंगे वो आपके दिल में रहेगा ही रहेगा। सेकंड जो मूवी स्टार्ट होती है, जहाँ ये फर्स्ट मूवी ख़त्म होती है उसी से ये सेकंड मूवी स्टार्ट होती है। अब इसके अंदर आपके मन की ताकत, आप कह सकते हैं, शुद्ध हिंदी यूज़ करता, आपके मन की शक्ति ये दिखाया गया है कि आप जो सोचोगे आप वो बन जाओगे। मीन्स अगर आपने सोचा कि सामने वाला ताकतवर है तो डेफिनेटली वो ताकतवर है आपसे। अगर आपने सोचा कि नहीं यार वो मुझसे ज़्यादा ताकतवर नहीं है तो वो आपसे ज़्यादा ताकतवर भी नहीं है। यही वो कॉन्सेप्ट है जो सेकंड मूवी में दिखाया गया है। देखो मूवी डरावनी कितनी है, पर्सनली अपने पॉइंट ऑफ व्यू बता रहा हूँ, शायद आपको वो डरावनी लग सकती है लेकिन मुझे इतनी डरावनी नहीं लगी। लेकिन मुझे मूवी का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा लगा जो इसने समझाने की कोशिश की। हाँ काफ़ी जगह तो मैं भी डरा यार, ऐसी नहीं है मैं नहीं डरा, डरा मैं, लेकिन इतना हाई लेवल पे मैं नहीं डरा कि हाँ यार ओ दिल बाहर आ जाए, जबान से मुँह से बाहर आ जाए, धक 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 धक, नहीं वो वाला डर मुझे नहीं लगा। लेकिन लगा मुझे डर ऐसे। ये जो इट चैप्टर 1 है, इट चैप्टर 2 है, इन दोनों मूवी में जो कॉन्सेप्ट है कि आप जितना डरोगे आपके ऊपर डर उतना ही हावी होगा, और दूसरी चीज़ जितना ये सोचोगे कि यार वो चीज़ मैं नहीं कर सकता, वो चीज़ आप नहीं कर पाओगे, अगर आप सोचोगे वो चीज़ मैं कर सकता हूँ तो वो आप कर भी पाओगे। इससे रिलेटेड एक चीज़ है मेरी लाइफ में जो हुआ वो मैं आप लोगों से शेयर करूँ। एक बार हमारे घर में मेरी बहन के लिए एक स्कूटी लाई गई, तो स्कूटी कहीं लानी थी हमारे घर से, लगभग वो 10 किलोमीटर दूर था। तो मेरे पापा जो थे वो बाइक पे गए और मैंने कहा अपनी माँ को कि माँ मैं जाऊँगा स्कूटी लेने, पापा वहाँ से खरीद लेंगे और मुझे फ़ोन कर देंगे और मैं चला जाऊँगा स्कूटी लेने। तो मेरी माँ ने कहा नहीं तू नहीं जाएगा, तेरे को चलानी नहीं आती, तेरे को चलानी नहीं आती, ऐसा कहा मुझे। और जब ये चीज़ मुझे बोली उन्होंने तो मेरे दिलो दिमाग में ऐसा हो गया, ऐसा नहीं कि मुझे चलानी नहीं आती, मुझे चलानी आती थी, लेकिन जब ऐसा मुझे बोल दिया गया कि तुझे चलानी नहीं आती, वो मेरी केयर कर रही थी, ऐसा नहीं कि वो मुझे डीमोटिवेट कर रही थी, ऐसा नहीं था। वो ये चाह रही थी कि यार अगर तू बाहर जाएगा, अगर तुझसे कहीं से बाय मिस्टेक, मेरे पास उस वक्त लाइसेंस भी नहीं था, कि बाय मिस्टेक अगर तुझसे कुछ एक्सीडेंट हो गया तो कैसे वो चीज़ें संभालेगा, तो वो केयर कर रही थी। लेकिन मुझे मुझ पर यकीन था कि यार मैं चला सकता हूँ। तो जब ये चीज़ें उन्होंने मुझे बोली कि तू नहीं चला सकता, कि तुझसे कहीं एक्सीडेंट हो जाएगा, इन चीज़ों को लेके, तो कहीं ना कहीं मेरे दिल और दिमाग में ऐसा फीड हो गया कि यार मैं चला नहीं सकता क्या। तो जब स्कूटी घर पे आई तो मैंने मैंने सोचा एक राउंड मैं भी लगाता हूँ। तो यार जब मैं जब ये बात बोली गई थी कि तुझे चलाने नहीं आती, तो वो बात दिमाग में बार 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 मेरे घूम रही थी कि यार क्या मैं, मेरे को सच में चलानी नहीं आती, जबकि मुझे को चलानी आती थी। और जब मैं स्कूटी चलाने लगा तो मेरे हाथ कांप रहे थे, एक राउंड लेने में तो मेरे हाथ कांप पे, ये डर दूर करने में, ये अपने ऊपर विश्वास दिलाने में मुझे काफ़ी सारा टाइम लग गया कि भाई हाँ यार मुझे आती है चलानी। तो ये मेरा एक इंसिडेंट था कि हमारे माँ बाप हमें जो बोलते हैं उसका भी हम पे बहुत इफेक्ट पड़ता है। कि देखो मैं बुराई नहीं कर रहा हूँ इस चीज़ की कि हाँ वो हमारी केयर करते हैं, मैं रिस्पेक्ट करता हूँ अपने माँ बाप की। और मैं जो भी मेरे व्यूअर्स हैं या जो भी देख रहे हैं तो मैं उनको बोलूँगा कि तुम भी अपने माँ बाप की रिस्पेक्ट करो, करनी चाहिए। तो ये ओवरऑल रिव्यू था, ये ओवरऑल कॉन्सेप्ट, तो ये एक कॉन्सेप्ट था इस इट चैप्टर मूवी फर्स्ट और सेकेंड का। तो मैं सजेस्ट करूँगा आप लोगों को कि ये दोनों मूवी देखें और इससे सीखें कि हमें अपने डर पे भी काबू करना है और हमें अपनी सोच के ऊपर भी, हमें अपने ऊपर विश्वास रखना है। जैसा हम सोचेंगे वैसा ही हमारे साथ होगा। अगर हमने नेगेटिव सोचा तो नेगेटिव, अगर हमने पॉजिटिव सोचा तो हमारे साथ पॉजिटिव ही होगा। तो ये तो था इन दोनों मूवी का कॉन्सेप्ट। आई होप सो मैं आप लोगों को ये चीज़ें मैं डिफाइन कर पाया हूँ अपनी बात भी। अगर फिर भी अगर आप लोगों को समझ नहीं आया तो अपनी बात नीचे कमेंट में लिख सकते हैं कि ये चीज़ समझ नहीं आई, मैं दोबारा से एक्सप्लेन कर दूंगा। क्या छोड़ो, इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन हिट द लाइक बटन, और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। वैसे मैं बोलता नहीं हूँ काफ़ी, अभी बोल रहा हूँ ठीक है। वैसे लास्ट मैंने क्या कर रखा है, एक अपना ही आ जाता है लाइक शेयर सब्सक्राइब का, एक ऐसी वीडियो आ जाती है लास्ट में, वो मैं लगा देता हूँ। आज पहली बार यहाँ पे बोल रहा हूँ, शायद पहली पता नहीं कितनी बार भी बोल रहा हूँ, लेकिन अब तक नहीं बोल रहा था। चलो छोड़ो यार, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
जय हिंद।